नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यहां पर ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो है एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहां पर एक तमिल समाचार पत्र और एक तमिल समाचार की वेबसाइट के हिसाब से, जैसा कि स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इस भाषा का कन्वर्टेशन यदि हिंदी में करें तो यहाँ पर इस प्रपत्र के हिसाब से सभी पेंशन कर्मचारियों के लिए उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर श्रम मंत्रालय की तरफ से कुछ अपडेट निकल कर आया है। तो उसी अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में आपको यहां पर जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं एम्प्लॉय खबर पर। सभी कर्मचारियों के लिए जो भी वीडियोस होते हो सबसे पहले, तो इसी तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए जो है हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के नए फ्रेश अपडेटिंग वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर होती रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रपत्र के ट्रांसलेशन के बाद में जो है क्या बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पेंशन वृद्धि के बाद ईपीएफओ करेगा बैठक दिव्यंगियों, और ये नई दिल्ली से खबर निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि के लिए न्यूनतम मासिक वेतन वृद्धि पर चर्चा शुरू कर रही है। आज केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि संसद के वर्तमान सत्र के अंत में जो है कर्मचारी परिसर प्रतिनिधियों यानी कि ईपीएफओ एक बैठक बुलाएगा, और बताया गया है कि बैठक में ईपीएफओ की न्यूनतम मासिक पेंशन वृद्धि पर चर्चा होगी। केंद्र लंबे समय से इस मुद्दे से निपट रहा है। हालांकि केंद्रीय श्रम मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। संसद पर सत्र 7 अगस्त को समाप्त होगा। इस मुद्दे पर केंद्रीय श्रम मंत्री के अधीन एवं कर्मचारी भविष्यवादी संगठन तत्काल मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन न केवल ईपीएफओ की न्यूनतम मासिक पेंशन वृद्धि, क्या ईपीएफओ ग्राहकों को इस महीने उनकी जो है मजदूरी में भी पेंशन मिलती है? वर्तमान में ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना के तहत एक पेंशन ग्राहक को जो है न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही है। लेबर स्टेडिंग पार्लियामेंट स्टेडिंग कमेटी ने विभिन्न रिपोर्ट के पहले उल्लेख किया है कि यह दैनिक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार न्यूनतम मासिक वेतन को 1000 से बढ़ाकर कम से कम 2 या 3000 करने के लिए लंबे समय से चर्चा कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यदि ईपीएफ द्वारा न्यूनतम मासिक वेतन की राशि में वृद्धि की जाती है तो इसे 2 से 3000 के बीच बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में जिन कंपनियों में कम से कम 20 कर्मचारी जो है कार्यरत है, उसमें जो है ईपीएफओ के द्वारा कवर किया जाता है, और उन कर्मचारियों से जिन्हें यहाँ पर 15000 रुपये से अधिक का वेतन मिलता है, उन्हें जो है इस सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा में नहीं रखा जाता है। लेकिन इसका कम पेमेंट यहाँ पर 15000 से कम पेमेंट इनको मिलती है, उसे इस जो है दायित्व में रखा जाता है। एक ग्राहक ईपीएफ क्षेत्र में अपने मासिक वेतन का जो है 12% योगदान यहाँ पर ईपीएफओ में करना होता है, और इतना ही योगदान उस कंपनी के द्वारा भी यहाँ पर किया जाता है जिसमें कि उसके ईपीएफओ के खाते में 8.33% पैसा जमा होता है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने ईपीएफओ को न्यूनतम मासिक वेतन वृद्धि के मुद्दे पर 27 दिसंबर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और जहां उस समिति ने विशेष रूप से सिफारिश की है कि ईपीएफओ की न्यूनतम मासिक वेतन वृद्धि में वृद्धि की जानी है। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि ईपीएफओ पेंशन का भुगतान 7 सूत्री सिफारिशों में ग्राहकों के पूरे वेतन पर किया जाएगा। वर्तमान में यह किसी ग्राहक को पदोन्नति किया जाता है या किसी अन्य कारण से मासिक अधिवेतन वेतन वृद्धि यहाँ पर की जाती है जो ₹2000 से ₹3000 हो सकती है। अगर वह अभी भी ईपीएफओ की तरह रहना चाहता है तो उसे जो है पेंशन का योगदान रुपये की दर से जो है काटा जाएगा, महीने के बढ़े हुए वेतन पर नहीं। केंद्र सरकार इस नियम के बदलने की योजना बना रही है। तो यहाँ पर इस प्रपत्र के हिसाब से जो ट्रांसलेशन यहाँ हुआ है, ट्रांसलेशन बराबर तो हो नहीं पाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जिस तरह से यह एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है किया हुआ अनुवाद है, तो इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि ईपीएफओ जैसे यहां पर 7 तारीख को अभी सदन का जो सत्र यहां पर समाप्त हो रहा है, उसके तुरंत बाद ही यहां पर ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय जो है यहां पर मीटिंग बुला रहा है, जिसे हम सीबीटी की मीटिंग कहते हैं। तो इस मीटिंग में यहां पर त्रिविपक्षीय पक्ष के द्वारा
जो है न्यूनतम मासिक वेतन को लेकर और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हायर पेंशन का जो फैसला आया है उसको लेकर यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ निर्णय निकल कर आ सकता है। तो जल्दी ही इसी महीने में यहाँ पर जो है ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला निकल कर आएगा। इस प्रपत्र के और इस समाचार विज्ञप्ति के हिसाब से यह जानकारी मिली है। तो दोस्तों ये वीडियो जानकारी यदि ऐसा है तो सभी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है। तो ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।